बहुत महत्वपूर्ण मांग थी जम्मू के लोगों की कि जम्मू, सांबा और कठुआ जो सीमावर्ती इलाका है, जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण होता है उस आरक्षण में 3% आरक्षण जो एलओसी के पास है देहात गांव उनके निवासियों को मिलता है, आज तक मिलता रहा 3% आरक्षण। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां जो गांव है वहां जो रहते हैं वो तो ज्यादा मुश्किल में रहते हैं, उनको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। 435 गांवों में जो सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हैं, 435 गांव और 3.5 लाख से अधिक लोग, इनको इसका फायदा मिलेगा और यह आरक्षण उनको भी लागू होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है, खासकर जम्मू जिला, सांबा जिला और कठुआ जिला, इन 3 जिलों में 435 गांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वहां यह फायदा मिलेगा जो अभी तक केवल एलओसी पर बसे गांव को मिलता था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का एक प्रस्ताव था, क्या उसको मंजूरी मिल पाई? वो मिला है, क्योंकि 6 महीने के लिए और बढ़ेगी, क्योंकि 2 जुलाई को समाप्त हो रही थी तो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में।